बारना की स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी रवि रावत को पकड़ा। शहर के देहात थाना पुलिस ने 57 ग्राम स्मैक कीमत 12 लाख रुपए के साथ आरोपी रवि रावत को गिरफ्तार किया है। देहात थाना प्रभारी रत्नेश यादव ने बताया कि 29 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ककरवाया कच फोर लाइन शिवपुरी देहात थाना पर आरोपी रवि रावत पुत्र परमार सिंह रावत उम्र 22 साल निवासी ग्राम भटुआ थाना कोलारस हाल न्यू सरस्वती कॉलोनी शिवपुरी स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। तत्काल आरोपी 57 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 12 लाख रुपए को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध कैंप का विवेचना में लिया। सर आज आरोपी पकड़ा है हमने, क्या कुछ मामला था और किस विषय में? ये नशे के विरुद्ध कार्रवाई में से की गई कार्रवाई है, जिसमें हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अमन सिंह राठौड़ साहब ने काफ़ी निर्देश दे रखे हैं कि इसकी कमर तोड़ना है, नशे के व्यापार की कमर तोड़ना है। इसी के तारतम्य में मुखबिर से कल सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर जो है पुलिस टीम गई थी, तो वहां पर आरोपी रवि रावत पुत्र परमाल सिंह रावत 22 साल का है, ये सरस्वती ये भटगुआ गांव का रहने वाला है जो कोलारस में है। वर्तमान में सरस्वती कॉलोनी शिवपुरी में रह करके ये इस तरह के अवैध स्मैक के कारोबार में संलग्न है, जिस पर पूर्व में भी इस पर कई कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इसे जो है करीब 57 ग्राम स्मैक के साथ जो जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख रुपए है, इसे पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। ये ककरवाया कट पॉइंट जो बाईपास पर है वहाँ से ये पकड़ा है। सर आरोपी से पूछताछ की हो गई? हाँ, आरोपी से पूछताछ की जा रही है, हम पीआर ले रहे हैं और इसमें आगे देखेंगे कि ये कहाँ से ये स्मैक लाता है और कार्रवाई। आरोपी कहाँ से कहाँ जा रहा था? आरोपी शिवपुरी शहर की तरफ आ रहा था।